हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत रॉय और आप लोग देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डन निट गार्डनिंग। ये जो बोगनवेलिया प्लांट आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पसंदीदा जो प्लांट्स हैं उनमें से एक है। ये प्लांट खास इसलिए भी है कि ये ना मुझे सरप्राइज करते रहता है। ये कभी कभी मुझे सफ़ेद फूल देता है, तो कभी कभी ये पिंक कलर का देता है, तो कभी पिंक और सफ़ेद मिला के देता है, और एक बार तो मैं इसमें ग्रे कलर का भी फ्लावर देखा। पिछले 5 सालों से मैं इसे बॉन्साई का लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने जो लुक सोचा है मेरे मन में, वो कुछ ऐसा है कि इसे मैं थोड़ा टेढ़ा उगाऊँगा और फिर इसके सारे डालियाँ इसके ठीक ऑपोजिट साइड में ऐसे मैं दे दूँगा ताकि लगे कि हवा चल रहा है बहुत ज़ोरों से और इसका डालियाँ सारे एक तरफ आ गए हैं। पिछले साल अगस्त में ही मैंने इसका हार्ट प्रूनिंग किया था, तो अभी अगस्त महीना चल रहा है तो मैं इसका थोड़ा प्रूनिंग फिर करूँगा। बात करते करते मैंने थोड़ा डालिया इसका छाट दिया है और अभी मैं इसका थोड़ा रूट भी छाट लूँगा। पिछले साल ये एक राउंड शेप्ड बॉल में था, तो उसमें से मैं उठा के इसे इस ओवल शेप बॉल में रखा। आप लोग देख ही सकते हैं, मैं लगभग आधे रूट इसका काट लिया। बस इससे ज़्यादा इस साल मैं और प्रूनिंग नहीं करूँगा। इस साल मैं इसका बेसिकली वायरिंग करूँगा और पॉट भी वही रहेगा पुराना वाला। पहले हम इसे थोड़ा खाद मिला के मिट्टी दे देते हैं। तो जो मिट्टी मैं दे रहा हूँ, तो इस मिट्टी में है बोन डस्ट और हॉर्नमिल और उसके साथ भार्मी कंपोस्ट। अभी मुझको इसे नीचे से साफ करके फिर इसका जो बड़े बड़े पत्तियां है उसे निकालना है। जब तक मैं इसका कुछ पत्तियां निकालता हूं, तब तक आप लोग एक छोटा म्यूजिक सुनिए। बड़े बड़े पत्तियाँ और अनचाही डालियों को मुझे छांटना है। इसका रूट देखिए दोस्तों, काफ़ी हद तक इसे एक बॉन्साई का लुक मिल चुका है। इसका स्टेम का गोलाई लगभग मेरे रिस्ट के जैसा हो गया है। खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का फ्लावर भी आ चुका है। तो ये है मेरे बॉन्साई का अभी तक का लुक। देखिए मैं इसका नाप ले रहा हूँ, ये लगभग मेरे रिस्ट तक है। नर्सरी से जब मैं इसे ख़रीदा था तो ये बहुत ही छोटा था, छोटा सा एक पौधा था। उसमें से आज देखिए ये काफ़ी हद तक बॉन्साई का लुक ले चुका है। तो चलिए अब इसका वायरिंग करते हैं। वायरिंग करके मैं इस प्लांट का सभी डालिया मैं लगभग एक तरफ लेके आया हूँ और इसे अभी भी और भी थोड़ा वायरिंग का ज़रूरत है। तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि ये थोड़ा झुका हुआ रहेगा और इसके डालियाँ देखिए एक तरफ ही मैं ला रहा हूँ ताकि ऐसा देखे कि एक हवा का झोंका आया है और इसका सारे डालियाँ एक तरफ लेके आया है। मेरे मन में ऐसा ही कुछ लुक इसके लिए मैंने सोच के रखा है। वायरिंग के लिए मैंने लिया है तांबे का तार। ये तांबे का तार बहुत ही अच्छा होता है, प्लांट को हार्म नहीं करता है। आप लोग एल्यूमिनियम का तार भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे का तार मत लीजिए क्योंकि उसमें जंग पड़ जाता है और वो प्लांट को बहुत ही हार्म करता है। प्लांट के लिए वो हार्मफुल है। वायरिंग के लिए सबसे अच्छा होता है तांबे का तार, क्योंकि ये जैसा लचीला होता है वैसा ये आसानी से टूटता भी नहीं और आप इसे किसी भी तरफ मुड़ सकते हैं।
ये तांबे का तार आपको मिल जाएगा मोटर रिपेयरिंग शॉप या कोई इलेक्ट्रिकल शॉप या वो कॉयल बनाता है जिस दुकान में, ऐसे दुकान में। देखिए दोस्तों कितना आसानी से डालिया मुड़ रहा है तांबे के तार के साथ। फिलहाल दोस्तों बताने लायक तो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखाने लायक काम ही पड़ा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए मैं कैसे हर एक डालियों को मुड़ रहा हूँ और कैसे वायरिंग कर रहा हूँ। एक ज़रूरी बात दोस्तों बताना है, क्या है ना कि पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा ना लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्यों ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया। इससे ना दोस्तों मुझे बहुत ही फ़ायदा होगा, मुझे गलतियाँ सुधारने का मौका मिलेगा। मैं गलतियाँ सुधार के अगला वीडियो लाने का कोशिश करूँगा और ऐसे ही धीरे धीरे मेरे वीडियो बेहतर बनते जाएगा। तो प्लीज़ 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 दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी कोई भी चीज़ अगर आपको नापसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मेरे वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अभी मैं आप लोगों के लिए एक म्यूज़िक प्ले करता हूँ, म्यूज़िक सुनते सुनते आप लोग मेरे काम देखिए। वीडियो स्किप ना करके देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरा काम लगभग हो चुका है तो इस साल तो इस प्लांट का लुक मैंने यहाँ तक लाया। अगले साल फिर इसे देखेंगे और फिर थोड़ा प्रूनिंग करेंगे और इसको बेहतर लुक देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक एनकरेजिंग लाइक देके मेरे हौसला बढ़ाइएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, थैंक यू ऑल।